ये है सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर। इसी हेलीकॉप्टर से भारतीय नौसेना और DRDO ने मिलकर स्वदेश में निर्मित नेवल एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए ये एक बेहद बड़ी सफलता मानी जा रही है। इम्पोर्टेंट मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में ये एक बड़ा कदम था। इससे न केवल भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा बल्कि कई स्वदेशी कंपनियों को भी बल मिला। एक बार ये वीडियो आप भी देखिए। नौसेना के इस वीडियो में दिख रहा है कि महासागर के ऊपर उड़ रहे भारतीय नौसेना के सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर ने एंटी शिप मिसाइल फायर की, जिसने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को भेद दिया। रक्षा के क्षेत्र में आए दिन भारत खुद को मजबूत कर रहा है। सीमा पर चीन पाकिस्तान जैसे देशों से निपटने के लिए भारत सरकार अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ रही। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना और DRDO ने मिलकर ये जो स्वदेशी निर्मित नेवल एंटी शिप मिसाइल बनाई, ये बेहद घातक बताई जा रही है। भारतीय नौसेना द्वारा ये जो परीक्षण किया गया, इसमें मिसाइल की सीकर और गाइडेंस तकनीक का भी परीक्षण किया गया। बता दें, किसी भी मिसाइल का उसके तय लक्ष्य को भेदना ही गाइडेंस तकनीक का हिस्सा होता है। कोई मिसाइल कितनी प्रभावी और घातक है, ये उसकी गाइडेंस तकनीक पर ही निर्भर करता। बता दें, दुश्मन देशों की हरकतों को देखते हुए भारत सरकार की ये पूरी कोशिश है कि देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। भारत सरकार के इस उद्देश्य को पाने के लिए DRDO और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अहम भूमिका निभा रहे हैं। मौजूदा वक्त में भारत हथियारों की आपूर्ति के मामले में बड़े पैमाने पर दूसरे देशों पर निर्भर है, लेकिन धीरे धीरे अब सरकार हथियारों के आयात को रोकने के लिए स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा दे रही। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए 4 मिसाइल सिस्टम देश में ही विकसित किए जा रही है, जिनमें पृथ्वी मिसाइल, आकाश, नाग और त्रिशूल मिसाइल सिस्टम शामिल है। रही बात DRDO की, तो बीते साल मई में भी DRDO ने नौसेना के साथ मिलकर एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इस साल भी नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण एक बड़ा कदम माना जा रहा। भारत की सफलता पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।